राहुल गांधी जी अमेठी को परिवार की तरह मानते हैं। बीजेपी ने बनाया प्लान, कांग्रेस ने दिया अंजाम। तुम्हारा कंबल हमारा कंबल, तुमने मंच सजाकर बांटा, हमने राह चलते लोगों को बांटा। बीजेपी डाल डाल, कांग्रेस पात पात। जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमेठी में इस समय यही चल रहा है। नेताओं में जनता की सेवा करने की इससे ज्यादा बेचैनी शायद ही अमेठी वालों ने कभी देखी हो। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ? बीजेपी और कांग्रेस दोनों दौड़ पड़े जनसेवा करने के लिए। 1,75,00,000 रुपए की लागत से निर्मित है उसका, इसी क्रम में उद्घाटन भी साथ साथ माननीय मुख्य अतिथि दीदी स्मृति ईरानी जी एवं विशिष्ट अतिथि बंधुओं के कर कमलों द्वारा। सर्दियां शुरू हो गई है लेकिन सियासत बहुत गर्म है। सियासत में इतनी गर्मी आई कहां से? अब ये समझिए। अमेठी में एक संगठन ने प्लान बनाया कि जरूरतमंदों को कंबल बांटेंगे। इसके लिए सांसद स्मृति ईरानी को वहां बुलाया गया था। स्मृति ईरानी के कार्यक्रम की भनक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लग गई, जिसके बाद कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह की अगुवाई में स्मृति ईरानी से पहले ही लोगों में कंबल बांट दिया गया। हालांकि कांग्रेस का कंबल वितरण कार्यक्रम अलग था। राहुल गांधी जी अमेठी को परिवार की तरह मानते हैं, हमेशा हर वर्ष जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, कंबल की ज़रूरत होती है, कंबल की दवाई ज़रूरत होती है, दवाई की, जब यहाँ राशन ज़रूरत होती है राशन की, हमेशा राहुल गांधी जी अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। शुरुआत हमेशा कांग्रेस पार्टी नवंबर में करती थी कंबल वितरण का, इस बार जिला कांग्रेस कमेटी फिर से नवंबर में शुरुआत की है। ये अनवरत पूरे नवंबर, पूरे दिसंबर, पूरे जनवरी तक ठंडी रहती है, ब्लॉक वाइज, फिर न्याय पंचायत वाइज, फिर ग्राम सभा वाइज वितरण किए जाते हैं। वो वितरण कार्यक्रम आज यहाँ, इसकी शुरुआत जितने भी जनपद के रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं या बैटरी रिक्शे वाले हैं, सबको वितरण करके शुरुआत की गई है। कांग्रेस इसे अपना रूटीन कार्यक्रम बता रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अमेठी में पॉलिटिकल लीड लेने के लिए स्मृति ईरानी से पहले कांग्रेसियों ने कंबल बांट दिया। अब बात स्मृति ईरानी के कंबल वितरण कार्यक्रम की करते हैं। अमेठी के रामलीला मैदान में स्मृति ईरानी ने जरूरतमंदों को कंबल बांटा। उनके साथ प्रदेश के मंत्री और जिले के सभी विधायक भी मौजूद रहे। कंबल वितरण के साथ साथ स्मृति ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने क्षेत्र में घूमकर लोगों से मुलाकात भी की। एक जगह कुछ लड़कियां स्कूल जाती हुई दिख गई, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी रोककर उनसे बातचीत की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। बीजेपी डाल डाल और कांग्रेस पात पात का सीधा मतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर है। अमेठी में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और बीजेपी अपनी जीत को बरकरार रखना चाहेगी। यही वजह है कि कोई मंच सजाकर कंबल बांट रहा है और कोई राह चलते कंबल थमा रहा है।